हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कवर करेंगे विद इन 2 मिनट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, जिसमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ऑल ओवर द मोशन और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इनिशियली तो डिक्रीज होगा, मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो जीरो हो जाएगा और फिर नीचे आते आते वो इंक्रीज होने लगेगा। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल के पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है जिसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो ऑल ओवर द मोशन कांस्टेंट रहती है, यानी कि जी के बराबर रहती है। इसका अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2u sin थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो कितना है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। उसी तरह से अगर आपको टाइम टी के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये है, इसको आप ध्यान रख लेना। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप याद कर सकते हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, ये मैंने आपको बता दिया। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी कितनी रहेगी, हाफ एम यू स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम इंटू ऊपर की जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा उसका स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे कितना रहेगा, उसकी जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा एम यू। हाईएस्ट पॉइंट पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा एम यू कॉस थीटा। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एम यू कॉस थीटा मतलब मास इंटू यू कॉस थीटा इंटू हाइट, जो भी उस पॉइंट पे हाइट है वो कर सकते हो। अगर आपको हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, एच इक्वल टू आर बाय 4 टैन थीटा, ये हर जगह काम आएगा। और अगर थीटा 45 डिग्री हो तो वहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज की 1/4 होती है। आपको याद रखना है कि जब थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाय जी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि रेंज सेम होती है अगर एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा हो, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर जो रेंज है वो सेम आती है। उसी तरह से 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पर भी रेंज सेम आती है, जैसे कि 45 माइनस 15 और 45 प्लस 15 पर रेंज सेम आएगी, यानी कि 30 और 60 पर रेंज सेम आएगी। ठीक है, तो ये थे प्रोजेक्टाइल मोशन के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।